जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर गवादर। तो दोस्तों, इस वक्त हम न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने आज स्पेशल परमिशन ली है। ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट का एरिया, रोड्स पे काम हो रहा है, लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको, लाइट वर्क यहाँ पे हो चुका है, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ों पर काम हो चुका है। और न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो दोस्तों की बार बार फरमाइश थी कि आप जो है इसको जो है देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट्स को जानना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया को, यहाँ काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, सिक्योरिटी का काफ़ी बंदोबस्त है इस एरिया में, और ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ स्पेशल परमिशन ली है बड़ी मुश्किल से कि हम आपको ये डेवलपमेंट वर्क दिखा सकें। वो के अंदर हमें अंदाज़ा नहीं है कि कैमरे की इजाज़त है या नहीं है, बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर के मनाज़र भी दिखा सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर गवादर। इस वक्त हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर के रनवे के पास खड़े हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मशीनरी सबको नज़र आ रही है, यहाँ पे काम ज़ोर शोर से चल रहा है। 150 चाइनीज़ और 300 पाकिस्तानी मिल के काम कर रहे हैं दिन रात। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये मेन रनवे का एरिया है, ज़मीन लेवल हो चुकी है। और ये 360 मीटर चौड़ा एक एक रनवे है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अगर आप इस तरफ देखें, दूसरी तरफ आपको हैवी मशीनरी नज़र आ रही है दूर दूर तक। अभी चाइनीज़ के कैंप से हम गुजरे हैं, लेबर के कैंप से गुजरे हैं, तो बहुत ही जो है हमें तसल्ली हुई है यहाँ के अंदर। और बड़ी मुश्किल से हमने इजाज़त ली है, दोस्तों की बड़ी फरमाइश थी कि हमें जो है अपडेट किया जाए डेवलपमेंट पे। तो दोस्तों एक्सीलेंट डेवलपमेंट हो रही है, और हमने पूरे एरिया को देखा है चारों तरफ से। और ये अगले 2 से 2.5 साल में ये एयरपोर्ट इंशाल्लाह फंक्शनल होगा। और इसके पास ही जो है आर्मी का जो कैंट एरिया है, उसकी भी कंस्ट्रक्शन बड़े ज़ोर शोर से चल रही है, और ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं। और इस एयरपोर्ट के साथ आपको बता दूं कि एक बड़ा हॉस्पिटल, मस्जिद और एक स्कूल भी इसका हिस्सा है, उसकी भी साइट से अभी हम गुज़र के आए हैं। और सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है, यहाँ पे चिड़िया नहीं पर मार सकती इस पूरे एरिया में। हमें अंदर इस चूँकि हम इस वक्त अंदर हैं इसके, तो हमें एहसास हुआ है कि सिक्योरिटी का लेवल बहुत हाई है और होना भी चाहिए। और अंदर से जो डेवलपमेंट वर्क है उसको देख के हमें बड़ी तसल्ली हुई है, इस पर हम फर्दर आपको अपडेट करेंगे। और इस रनवे वाली जगह को ये देखें, बिल्कुल लेवल हो चुका है, ये रनवे का एरिया है। ठीक है, इसके साथ ही टैक्सी वाला एरिया था जहाँ पे टैक्सी करेंगे जहाज़, ये मेन रनवे का एरिया है जहाँ से फ्लाइट उड़ा करेंगी, और पूरी दुनिया के साथ ये पाकिस्तान को, गवादर को कनेक्ट करेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ A380, हाँ जी, जो 850 पैसेंजर्स को लेकर उड़ता है, वो पाकिस्तान का ये वाहिद एयरपोर्ट है जिस एयरपोर्ट पर वो जहाज़ उतरा करेगा। और इंशाल्लाह 2023 में आप देखेंगे कि इस एयरपोर्ट से वो जहाज़ बीजिंग के लिए, दुनिया के दूसरी बड़ी डेस्टिनेशन के लिए अपनी उड़ान भरा करेगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ और एरियाज़ की भी आपको फुटेज दिखाएं, लेकिन ये भी हमने बड़ी मुश्किल से आपके लिए मैनेज किया है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं है कैमरा वर्क की, पिक्चर्स की। लेकिन अपनी आंखों से आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट वर्क है, जो काम है, माशाल्लाह बहुत तेज़ी से है। दूर दूर तक हमें मशीनरी नज़र आ रही है, मज़दूर नज़र आ रहे हैं, और कोई 450 के करीब लोग हैं जो इस वक्त 24/7 यहाँ पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। जी गुरुबाब गवादर, आप थोड़ा ऐड करेंगे इसमें। जी मिस्टर गवादर, थैंक यू। ये मशीनरी आप देख सकते हैं जी, हैवी मशीनरी है, एक्सीवेटर है, और काफ़ी तादाद में है मशीनरी काम कर रही है इस वक्त। और डिगिंग का काम भी हो रहा है, ड्रिलिंग भी हो रही है, फेंसिंग कम्प्लीट हो चुकी है, लेबर कैंप चाइनीज़ का अलग है, पाकिस्तानी इसका लेबर कैंप अलग है। कम अज़ कम 500-600 बंदा जो है यहाँ पे इस वक्त काम कर रहा है, और बड़ी ही आइडियल लोकेशन है। एक साइड पे आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ों का व्यू है, दूसरी तरफ सी का व्यू है, और दरमियान में ये एयरपोर्ट। तो ये एक शाहकार किस्म का प्रोजेक्ट है, और काम जिस स्पीड से यहाँ पे हो रहा है हमने तो अपनी आंखों से देखा है। पूरी टीम आज मौजूद है इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर पर, तो वही होप कि 2023 से पहले ये कम्प्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा जनाब। ठीक है दोस्तों, आपको अपडेट करते रहेंगे, और हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अपने दोस्त का भी जिन्होंने हमारे लिए ट्रिप को अरेंज किया। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद फुटेज मिलेगी, हम आपको और भी एरिया इसका दिखाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। ग्रो विद गवादर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी दोस्तों, मिस्टर गवादर जी, ये आप देख रहे हैं सिक्योरिटी वॉल्स पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट गवादर की। इससे अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और आपको अंदर से हमने कुछ मनाजिर दिखाने की कोशिश पहले ही की है। तो
माशाल्लाह हमें देख के काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई है कि जो एयरपोर्ट का काम है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और काफ़ी एक्टिविटी नज़र आई, सिक्योरिटी भी थी, लेकिन चाइनीज़ भी 150 के करीब नज़र आए, उनके कैंप्स नज़र आए। और ये 5000 एकड़ पे मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये अगले 2 साल में कंप्लीट होने के लिए रेडी है और ये एक नए पाकिस्तान की शुरुआत है और चीज़ें माशाल्लाह बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और जिससे हमें भी एनर्जी मिल रही है और हम दोस्तों को अपनी आंखों से दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो किन मराहल में है, वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। हमें लेबर के कैंप्स भी नज़र आए, सिक्योरिटी के कैंप्स भी नज़र आए, चाइनीज़ के कैंप्स नज़र आए, वर्कशॉप नज़र आई और काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला वहाँ पर। लेकिन हम पूरी फुटेज नहीं ले सके, ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी थी, लेकिन हमें तसल्ली हुई कि हम आपको भी अपडेट करें कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो काफ़ी उस पर डेवलपमेंट वर्क हो चुका है और हो रहा है। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगले 2 से 3 सालों में इंशाल्लाह जो गवादर की मार्केट है, जो ओवरऑल सिचुएशन है, वो काफ़ी चेंज होगी। जो 2022 के बाद का गवादर है, जो 2023 का गवादर है, वो टोटली चेंज होगा इंशाल्लाह। और जो रियल स्टेट है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आ चुका होगा, प्राइसेस में चेंज आ चुका होगा और उस वक्त इन्वेस्टर्स की जो है वो बहुत बड़ी तादाद गवादर का रुख करेगी 2022-23 में। और हम लाखों लोगों की माइग्रेशन भी देख रहे हैं, इस बिल्कुल सामने ही अब हम कोस्टल हाईवे पे आ गए और यहाँ पे जो है इसके बिल्कुल सामने ही आपको समंदर नज़र आ जाना चाहिए। ये बिल्कुल कोस्टल हाईवे और समंदर के सामने है और सामने की जो ज़मीन है ये आर्मी की है, ये कंटोनमेंट एरिया की है जो सामने की ज़मीन है और आर्मी भी अपना काम शुरू कर चुकी है। उस पर हम अलग से आपको कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाएंगे, अब हम कोस्टल हाईवे पे आ चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, हम आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।